दोस्तों आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी कोई भी कंपनी, ऐसी कोई भी फर्म जो कि जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है और उसका बिजनेस ट्रेडिंग का है, तो इस प्रकार के बिजनेस की अकाउंटिंग को हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से मेंटेन करते हैं, यानी कि जब हम टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करते हैं तो उसके बाद हम जीएसटी को किस प्रकार से एप्लीकेबल करते हैं, कौन कौन से फीचर्स हमें डिसेबल या इनेबल करने होते हैं, जीएसटी के जो लेज़र हमें क्रिएट करने हैं वो किस टाइप से क्रिएट होंगे, स्टॉक आइटम के अंदर हम जब जीएसटी को एप्लीकेबल करेंगे तो वहाँ पर हमें टैक्स रेट क्या देना होगा, कौन कौन से लेज़र और क्रिएट होंगे, तो ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों ये हमने कंपोजिशन डीलर की प्रॉपर अकाउंटिंग किस प्रकार से मेंटेन होती है इसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है और ये आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, यानी कि फर्स्ट क्लास है। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो टॉपिक रहने वाले हैं भी एक ट्रेडर्स डीलर की अकाउंटिंग को हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से मेंटेन करते हैं जो कि कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम सीखेंगे भी कंपोजिशन का जो डीलर होता है वो टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, उसके बाद में जीएसटी को किस प्रकार से एप्लीकेबल करना है और उसका हमें कंपोजिशन डीलर में जो टैक्स रेट है वो किस प्रकार से सेटअप करना है, उसके बाद में जीएसटी टैक्स के लेज़र और जो हमारे सप्लायर्स होंगे या कस्टमर होंगे उनके लेज़र किस हिसाब से क्रिएट करने होंगे, स्टॉक आइटम क्रिएट करते वक्त उसमें जीएसटी को किस तरीके से टैक्स सेटअप करना होगा, और उसके बाद में हमारे पास जो सप्लायर के इनवॉइस आते हैं, अगर हमारे पास रेगुलर डीलर का अगर कोई परचेज इनवॉइस आता है तो उसकी एंट्री एक कंपोजिशन डीलर किस प्रकार से करता है, अगर कंपोजिशन डीलर के पास में कंपोजिशन डीलर का ही इनवॉइस आता है परचेज का तो उस वक्त एंट्री किस प्रकार से होती है। तो ये सारी बातें आज आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम सारे जो वाउचर की एंट्री करेंगे वो प्रैक्टिकली वाउचर के साथ करने वाले हैं। तो वीडियो दोस्तों एक फ्रेशर अकाउंटेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नॉलेजेबल भी है, तो वीडियो का पूरा कंप्लीट देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो या आप हमारे इस चैनल पर कोई पहला वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज के ये वीडियो। तो दोस्तों आज की इस क्लास का जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है हमें सबसे पहले टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी को क्रिएट करना है। तो दोस्तों अगर आप चाहे कंपोजिशन डीलर की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, चाहे आप किसी रेगुलर डीलर की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हो, तो जो टैली सॉफ्टवेयर में कंपनी क्रिएट करने का जो प्रोसेस है वो दोनों में बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसा कि मैंने यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी को क्रिएट किया हुआ है, तो एक बार हम इसको अल्टर करके चेक कर लेते हैं। कंपनी क्रिएट करने के लिए सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले हमें कंपनी नेम है, हमारी कंपनी जिस नाम से रजिस्टर्ड है उस कंपनी का नाम हमें यहाँ पर लिखना है, और उसके बाद में प्रॉपर इसका एड्रेस, और उसके बाद में जो भी इसकी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिटेल है जैसा कि मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपकी कोई वेबसाइट, जो भी डिटेल्स आप यहां पर दे सकते हो, और उसके बाद में आपका फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों ये हम हमेशा चाहे किसी भी टाइप की अगर हमें डीलर की अकाउंटिंग मेंटेन करनी हो तो हम सेम ही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये तो था कंपनी क्रिएट करने का, लेकिन कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद जो जीएसटी को लेके जो सेटअप करना होता है टैली सॉफ्टवेयर में वो दोनों में डिफरेंस है। तो ये हमें कंपनी क्रिएट करने के जस्ट बाद हमें जीएसटी को एप्लीकेबल करना है और वहाँ पर कंपोजिशन डीलर को सेलेक्ट करना है और उसके बाद में टैक्स रेट देना है। तो वो हम कैसे देंगे, तो इसके लिए हम F11 प्रेस करेंगे, और जैसे हम F11 प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ये ऑप्शन आ जाएगा टैक्सेशन का, और टैक्सेशन में हम सेलेक्ट करेंगे जीएसटी को। तो इस जीएसटी के ऑप्शन को यस करेंगे, और यस करने के बाद आपका स्टेट राजस्थान आ जाएगा, और उसके बाद में आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा रजिस्ट्रेशन टाइप। तो यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, कंपोजिशन का और रेगुलर का। तो दोस्तों अभी जो फिलहाल हम जिस कंपनी की अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं वो कर रहे हैं कंपोजिशन डीलर की। तो दोस्तों अब ये कंपोजिशन डीलर में और ये रेगुलर डीलर के अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है, इन दोनों रजिस्ट्रेशन में डिफरेंस क्या होता है, अगर आपको इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से जानना है तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा,
ऊपर आपको आई बटन पर भी इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखते हो तो एंड स्क्रीन पर भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप इन दोनों को, दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो आपको दोस्तों इस वीडियो को जरूर भी देखना चाहिए भी कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम सेलेक्ट करते हैं कंपोजिशन डीलर। तो जैसे दोस्तों हम कंपोजिशन डीलर को सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा, यू हैव ए चेंज रजिस्टर टाइप फ्रॉम रेगुलर टू कंपोजिशन, नीड हेल्प टू नाउ टू नेक्स्ट। तो आप इसको नो कर सकते हो, क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर जो यहाँ पे सिलेक्ट करके रखता है ना, वो रेगुलर रखता है। लेकिन हमें रेगुलर डीलर की अकाउंटिंग नहीं, कंपोजिशन डीलर की अकाउंटिंग मेंटेन करनी है, तो इसलिए हम यहाँ पे कंपोजिशन को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद में आपका जीएसटी एप्लीकेबल फॉर्म, आप जब भी एप्लीकेशन हुआ है तो आप यहाँ पे 1 जुलाई 2017 भी दे सकते हो, या आपने फाइनेंशियली 2021-22 के दौरान जो वर्क किए तो आप इसको 1 अप्रैल 2021 भी दे सकते हो। और उसके बाद में अपने हमारी कंपनी का जो जीएसटी नंबर है वो हमें यहाँ पर देना होता है, जैसा कि हमारी कंपनी का जो नाम है स्मार्ट ट्रेडिंग कंपनी है और हमारे पास कुछ इनवॉइस भी आए हुए हैं, तो हम हमारे इनवॉइस वाले को जीएसटी नंबर को यहाँ से कॉपी कर लेंगे और आपको यहाँ पे मैनुअल टाइप करना होता है। और उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एडिशनल फीचर्स में भी टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर। तो आपको ये ध्यान रखना है भी जो हमारा टैक्स रेट होता है डीलर का, कंपोजिशन डीलर में ट्रेडर्स का, वो 1% होता है, यानी कि इसमें 0.5 CGST टैक्स होता है और 0.5 SGT टैक्स होता है। तो हम 1% टैक्स पे करते हैं टोटल टर्नओवर पे। और उसके बाद में ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा भी बेसिक ऑफ टैक्स कैलकुलेशन। तो इसमें आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं भी टैक्सेबल एग्जम्प्ट और नील रेटेड वैल्यू या ओनली टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि आपने जो 1% का गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना है जीएसटी के रूप में, वो टैक्सेबल, टैक्स एग्जम्प्ट और नील रेटेड तीनों पे करवाना है या ओनली टैक्सेबल वैल्यू पे। तो जो टैक्स हमेशा डिपॉजिट होता है वो टैक्सेबल वैल्यू पर ही होता है, इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। और उसके बाद में ये हमारी ई वे बिल की जो लिमिटेशन होती है वो अब बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 50,000 आ रहा है, लेकिन अभी फिलहाल राजस्थान में इसको 1,00,000 रुपया कर दिया गया, तो ये देर छोड़ जो लिमिट है उसको हम 1,00,000 तक कर सकते हैं। और इंटरप्रेस करते हैं हम इसको, सेव करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा सेकंड ऑप्शन, जो टॉपिक हमारा भी जीएसटी को एप्लीकेबल करने कंपोजिशन डीलर के लिए। अब उसके बाद में जीएसटी टैक्स रेट। तो दोस्तों जैसा कि हम रेगुलर कंपनी की अगर कोई अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हम सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स को क्रिएट करते हैं, तो अब यहाँ पर भी हमें सीजीएसटी टैक्स और एसजीएसटी टैक्स को क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन उसका ग्रुप सिलेक्शन अलग होगा। क्रिएट पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और उसके बाद में सीजीएसटी टैक्स। अमूमन हम क्या करते हैं भी जब रेगुलर डीलर की अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हम ग्रुप को सिलेक्शन करते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये सिलेक्ट करते हैं। लेकिन कंपोजिशन डीलर में ड्यूटीज एंड टैक्सेस को सिलेक्ट नहीं किया जाता, यहाँ पर हम करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्यों करते हैं, अगर आप ये जो प्रॉपर हमारा वीडियो है कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर में डिफरेंस क्या होता है तो वहाँ से आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद में टाइप ऑफ लेजर हमारे से पूछेगा, तो टाइप ऑफ लेजर में हम देंगे यहाँ पे सेंटर का टैक्स, तो सेंटर को टैक्स को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद में परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, इसको आपको जीरो कर देना है। और उसके बाद चाहो तो आप यहाँ पे 0.5 तो दे सकते हो, लेकिन अदरवाइज इसको आप जीरो ही रखना है। और उसके बाद में जो राउंडिंग मेथड है उसको भी हम रखेंगे नॉट एप्लीकेबल। और उसके बाद में जो जीएसटी एप्लीकेबल है, अब आपका जीएसटी एप्लीकेबल के ऊपर कर्सर ही नहीं जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सेंटर का टैक्स है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में लिया हुआ है, ये हमारा खर्चे के रूप में माना जाएगा। और इसी तरीके से SGST टैक्स, और ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट के टैक्स को और राउंडिंग मेथड हम रखेंगे नॉट एप्लीकेबल, और इंटरप्रेस करते हुए इस लेजर को भी सेव करेंगे। तो दोस्तों अब इस तरीके से हमने यहाँ पे जो टैक्स के लेजर है वो भी हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब उसके बाद में स्टॉक आइटम भी, हमने स्टॉक आइटम भी क्रिएट करनी है और उसका टैक्स रेट हम किस तरीके से सेट करेंगे। तो जैसा कि हमारे पास ये एक विजय ट्रेडिंग कंपनी हमारे पास सप्लायर है, इसका इनवॉइस आया है और ये स्टॉक आइटम है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे केवल स्टॉक आइटम तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इसका अभी तक कोई टैक्स रेट सेटअप नहीं किया, तो वो हम अल्टर में जाके स्टॉक आइटम पे जाएंगे
और इस तरीके से जो हमारे पास फर्स्ट आइटम है एज इनवॉइस के अकॉर्डिंग, जैसे किसी का एलईडी बल्ब 25 वाट, तो इसका टैक्स रेट हम डालेंगे यहाँ पे प्राइमरी। अब यहाँ से हम इसको जो ऑलरेडी हमारे पास ग्रुप होता है, जैसे कि हम GST 18% 12% का बना सकते हैं, तो अगर आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको टैक्सेबल गुड्स के अंदर भी रख सकते हो। तो जैसा कि मैं अब इसको रख रहा हूँ इलेक्ट्रिकल गुड GST 12% में, देख लेते हैं टैक्स रेट इसका 12% का है, तो हम इसको यहाँ से 12% में सिलेक्ट कर लेंगे। पीस में रहेगा GST आपको एप्लीकेबल करनी है और GST डिटेल को यस करना है। तो उसके बाद में आपको F12 प्रेस करना है और दोनों ऑप्शन को यस कर लेना है, और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिख देना LED, और इसका जो HSN कोड है वो HSN कोड भी हम इसको देख के यहाँ से लिख देंगे। और उसके बाद में जो टैक्स एबिलिटी है उसके अंदर हम रखेंगे इसको टैक्सेबल। तो आपसे यहाँ पे कोई रेट नहीं मांगेगा भी, आपकी ये जो प्रोडक्ट है कितने परसेंट वाला है, ये आपसे कुछ नहीं पूछेगा, और इंटरफेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करें। इसी तरीके से हमारे पास 5 वाट का है, इसको भी हम सेट करेंगे, यस करेंगे, LED करेंगे, HSN कोड डाल देंगे और टैक्सेबल कर देंगे। बस आपको इतना ही करना है, और इस तरीके से हम सभी को एक एक करके कर लेंगे। और इसके बाद में 9 वाट का रहेगा LED, और टैक्सेबल, और वॉल फैन, यस फैन। अब ये टैक्सेबल कितने परसेंट का टैक्सेबल है, ये कंपोजिशन डीलर वाले को कोई मतलब नहीं होता, उसको तो केवल टैक्स देना है, चाहे वो 5% का प्रोडक्ट है चाहे वो 28% का प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से हमने ये लेज़र क्रिएट कर लिए, स्टॉक आइटम क्रिएट कर लिए, और उसके बाद में हम हमारा जो सप्लायर का जो नेम है उसका नाम भी हम क्रिएट करेंगे, उसका लेज़र भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो भी हम एक बार क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट पे जाएंगे, लेज़र पे जाएंगे, और विजय ट्रेडिंग कंपनी के नाम से, और ये हमारे लिए सप्लायर है तो सेंडरी क्रेडिटर में सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में प्रॉपर एड्रेस वगैरह, और रजिस्ट्रेशन टाइप में हम इसको रेगुलर ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इनवॉइस आया है विजय ट्रेडिंग कंपनी का उस पर प्रॉपर सब कुछ SGST CGST टैक्स की डिटेल अलग से मेंशन होके आई है। तो हम इसको रेगुलर में रखेंगे, और इसमें बाद में जो इसका GST नंबर है वो एक बार हम डमी के रूप में हमने डाला हुआ है, इसको हम कर देंगे यहाँ पे पेस्ट और एंटर प्रेस करेंगे। और उसके बाद में एक इनवॉइस हमारे पास आया है ABC इंटरप्राइजेस का, लेकिन अब ABC इंटरप्राइजेस का प्रोडक्ट है लेकिन यहाँ पर GST वगैरह की कोई डिटेल नहीं है, और यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है भी ये कंपोजिशन डीलर का पार्ट है, यानी कि ये जो पार्टी है ABC इंटरप्राइजेस ये कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर्ड है, और इनपुट विल बी नॉट अवेलेबल, आपके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा इस प्रोडक्ट जो भी बेचेगी ABC इंटरप्राइजेस उसके ऊपर आपको ITC है जो नहीं मिलेगा। तो हम ABC इंटरप्राइजेस का भी लेज़र हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और ये भी हमारे सप्लायर है तो सेंट्री क्रेडिटर में रहेंगे, और अब इसको यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे कंपोजिशन, और कंपोजिशन सेलेक्ट करने के बाद में जो कंपोजिशन में जो GST नंबर है वो भी हम सेलेक्ट कर देंगे, और वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे। तो इस तरीके से हमने लेज़र क्रिएट कर लिया। अब बात आती है हमें परचेज के लेज़र भी क्रिएट करने हैं, क्योंकि हमने जो GST रजिस्टर कर लिए, स्टॉक आइटम कर ली, अब उसके बाद में हम सबसे पहले रेगुलर डीलर की परचेज एंट्री को पोस्ट करना सीखेंगे भी। अगर रेगुलर डीलर कौन सा हो गया, जैसा कि हमारे पास विजय ट्रेडिंग कंपनी है, ये रेगुलर पार्टी है, तो इसकी अकाउंटिंग का जो इनवॉइस हमारे पास आएगा वो किस तरीके से मेंटेन करना है, तो इसके लिए हम जाएंगे वाउचर पे और F9 हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम इनवॉइस नंबर लिखेंगे 324 नंबर इनवॉइस, डेट 1 अगस्त आई, सप्लायर इनवॉइस नंबर में भी 324 डालेंगे, और पार्टी अकाउंट नेम में विजय ट्रेडिंग कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में स्टॉक आइटम इसका LED बल्ब 25 वाट, क्वांटिटी है 24 पीस, और अब हमें यहाँ पर इसका जो फाइनल रेट देना है, अब हमें टैक्सेबल रेट यहाँ पर नहीं देना है, इसका जो नेट है विद GST समेत वो वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी है, जैसे कि 4731 रुपये इसका नेट रेट है, यानी कि 24 पीस का वो हमें डालना है। तो अब हमें यहाँ पे एक लेज़र भी क्रिएट करना है परचेज टैक्सेबल गुड्स का,
तो ये अंडर में परचेज काउंट रहेगा, जीएसटी आप इस पर एप्लीकेबल और इसको गुड्स कर देंगे, यानी कि ये एक तरीके से हमारा टैक्सेबल गुड्स आ रहा है। तो हमें पता चलता रहा है भी हमने टैक्स फ्री गुड्स कितना परचेज किया है और टैक्सेबल सामान कितना परचेज किया है। तो जो सेकेंड आइटम 5 वाट की है, क्वांटिटी है 75 पीस और जो नेट वैल्यू है 7308 रुपये। और इस तरीके से ये 400 mm फैन का है, क्वांटिटी 14 पीस और वैल्यू 19114 रुपये। क्योंकि अब इसमें हमें ITC नहीं मिलना तो इसलिए हम इसको विद टैक्स है जो ऐड करके, यानी कि जो GST के अमाउंट है वो हमने परचेज की कॉस्ट में ही ऐड कर दिए है। और उसके बाद में 75264 रुपये और फाइनल अमाउंट है 9 वाट की और क्वांटिटी 37 पीस और फाइनल अमाउंट 4724 रुपये। तो इस तरीके से 111,141 रुपये की जो वैल्यू हमारे पास आ चुकी है विद GST की। और इस इनवॉइस की अगर हम बात करें तो इसमें ये जो 141,000 रुपये की जो अमाउंट जो बनी है वो टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स ऐड करने के बाद बनी है। तो अब हमने जो यहाँ पे जो GST का जो खर्चा था, जो अमाउंट थी GST की, वो हमने इसको एज ए खर्चा मानते हुए परचेज की कॉस्ट में ही इसको ऐड कर दिया। और इंटरप्रेस करते हुए हम इसको सेव करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड इनवॉइस आया है ABC इंटरप्राइजेस का और ये ऑलरेडी कंपोजिशन डीलर में ही है। तो हम इसको एंट्री किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इनवॉइस नंबर 2021-22 और डेट है 1 नवंबर यानी कि 1/11 और सेम सप्लायर के इनवॉइस नंबर में हम ये डालेंगे और पार्टी अकाउंट में ABC इंटरप्राइजेस। और यहाँ पर हमारे पास जो आइटम है HP कीबोर्ड, स्टॉक आइटम को क्रिएट कर लेंगे 124 और उसके बाद में ये जो भी आपका प्रोडक्ट है जितने परसेंट का आप यहाँ पर डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं इसको एक बार प्राइमरी रख रहा हूँ और उसके बाद में पीस में रख रहा हूँ और एप्लीकेबल यस करके, और यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर डाल दिया कीबोर्ड का और HSN कोड यहाँ पर हम डाल देंगे और टैक्सेबिलिटी इसको अंदर रख लेंगे टैक्सेबल और टाइप ऑफ सप्लाई हम इसको रखेंगे गुड्स। तो इसकी जो क्वांटिटी है वो है 5 पीस और 625 रुपये का ये नेट है। तो ये भी टैक्सेबल है तो हम टैक्सेबल में रखेंगे और इंटरप्रेस करते हुए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये जो हमारे जो टॉपिक कवर किए हैं वो रेगुलर डीलर से परचेज एंट्री और कंपोजिशन डीलर से परचेज की एंट्री को किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों जो हमारा अब सेकंड जो पार्ट रहेगा उसमें हम देखेंगे अगर GST का कोई डीलर जो कि कंपोजिशन में है और ट्रेडिंग का बिजनेस है, अगर वो अपने कस्टमर को सेल इनवॉइस अगर इशू करता है तो उसकी एंट्री किस प्रकार से करते हैं। और उसके बाद में धीरे धीरे जो भी इसका टैक्सेशन का जो प्रोसेस रहेगा, GST की रिटर्न हमें किस तरीके से तैयार करनी होती है, तो सारा प्रोसेस आपको आने वाले वीडियो के पार्ट में कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ तो प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको आगे इसी टाइप के कॉन्टेंट आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आई होप कि आज की वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।